अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको मैज़ान कुकिंग ऑयल के बारे में बताऊँगा। मैज़ान कुकिंग ऑयल एक ऑयल है जिससे हम खाना बना सकते हैं, हम अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैज़ान कुकिंग ऑयल है। आज की वीडियो इस बारे में होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपने इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करना है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। तो मेरा नाम जैसे कि आप जानते हैं मोहम्मद आसिफ है, तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, ज़रूर करना है। ये ना आप किए बगैर चले जाएँ। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके मैं टिन गंजी कर दूँगा, समझे ना। तो हम बताते हैं मैज़ान रॉयल कुकिंग ऑयल ना हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, एक बार देख लें आप पूरा कंप्लीट। ये आप एक बार देख सकते हैं, इसके नीचे से भी देख लें। इसकी प्राइस नज़र नहीं आ रही, इसकी प्राइस कितनी है? चलो हाँ, ये मिल गई, इसकी प्राइस भी मिल गई है हमें। ये इसकी प्राइस भी यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई, ये तो एक्सपायरी डेट है, प्राइस नहीं लिखी हुई। प्राइस देखते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास, छोड़ो प्राइस बाद में देखते हैं। ये हमारे पास कुकिंग ऑयल है, मैज़ान रॉयल कुकिंग ऑयल है। ये 100% नेचुरली सोर्स है, मतलब कि कुदरती, क्या बोला जा सकता है इसको, कुदरती तौर पर हासिल करते हैं, मतलब के होते हैं ये, कुदरत के दिए गए हैं ऑयल होते हैं। तो इसमें जो शामिल होता है वो विटामिन जो शामिल है आपको इस कुकिंग ऑयल में, तो वो भी आपको मैं बताता चलता हूँ। तो इसमें विटामिन है ए डी एंड ई, ये तीन विटामिन इसके अंदर पाए गए हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, मेरे को पिछली वीडियो में याद नहीं आ रहा था, आपने देखी हो शायद कोलगेट की, अगर नहीं देखी तो आप वो भी देख लें, क्योंकि उसके उस वीडियो के अंदर मैं आपको कोलगेट के बारे में बताता हूँ। तो वो कोलगेट कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट क्या चीज़ है, तो वो भी आप वीडियो जाके मेरी पिछली देख सकते हैं, मेरे चैनल पर ही मिलेगी। तो ये उस पर मैं एक बात करना भूल गया ना कि हलाल टैग ये क्या चीज़ है। तो ये मेरे को समझ आ गई कि हलाल टैग है, ये जो हलाल टैग लिखा हुआ है ना, इसको हलाल टैग बोला जाता है। तो इसकी जो नेटवर्क है, मतलब कि नेटवर्क किस तरह, नेट जो होती है, मतलब कि कितने ग्राम में कितने केजी है, ये चीज़ जो होती है ना, तो ये हमारे पास 1 किलो में, ये कुकिंग ऑयल हमारे पास 1 किलो में। अब बात कर लेते हैं ये एक्सपायर कब होगा। तो एक्सपायरी डेट ऊपर लिखी हुई है हमारे पास, ये आप देखें, ये जब बना था 22 तारीख तीसरा महीना 2023 में बना था, और एक्सपायर कब होगा 21 तारीख तीसरा महीना 2024 में। मतलब कि आप पूरा साल इसको रख सकते हैं, खोल के नहीं, बंद जब पड़ा हो, ये जो सील होती है ना, ये चीज़ ना खुली हो, तो आप एक साल रख सकते हैं आराम सुकून से, मतलब इतना बड़ा मसला नहीं है, आप देख सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात कर लें तो हमें इस पर प्राइस तो नहीं मिली, हमने काफ़ी ढूंढी प्राइस इस पर तो, लेकिन हमें ख़ुद भी प्राइस इसकी पता है, ये 580 रुपये का है, अब शायद महंगा हो गया पहले से, तो जिस टाइम मैं लेकर आया था 580 रुपये का था। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर हम खाने में डालते हैं तो इसके जायके की बात करें, तो जायका इसका बहुत आला है, बहुत बेहतरीन जायका है, अच्छा टेस्ट आता है इसमें, खाने की खुशबू में बढ़ाता है, खाने की खुशबू में अच्छी, मतलब खाने की खुशबू अच्छी करता है ये, तो अच्छी खुशबू खाने से आती है, अगर हम ये डालते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, खाना भी अच्छा टेस्टी बनता है। तो आप भी ट्राई कीजिए। ये थी आज की हमारी वीडियो, इस वीडियो में हमने आपको कुकिंग ऑयल के बताया। तो जाते जाते आपने सबसे पहले कर लेना है सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।